प्रिय विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे डिज़ाइन ऑफ वेल्डिंग जॉइंट्स में वेल्डेड जॉइंट्स सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट। वेल्डिंग जॉइंट्स सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट्स एंड बेंडिंग मोमेंट में हम आज ट्विस्टिंग मोमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। वेल्डिंग जॉइंट्स सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट। When a rod is welded with a plate and a twisting force is applied on the circumference of the rod, then a shear stress is induced in the weld metal. जब एक रॉड को हम एक प्लेट से वेल्ड करते हैं तो उस समय इस रॉड पर ट्विस्टिंग फोर्स लगने के कारण ये जो वेल्डेड मटेरियल है, इस वेल्डेड मटेरियल में एक शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। इसमें शियर स्ट्रेस इंड्यूस होगा इस वेल्ड मेटल में। इस थ्रॉट एरिया पर, ये जो थ्रॉट एरिया है या कंठ का जो क्षेत्रफल है, टी थिकनेस पर, वहाँ पर एक शियर स्ट्रेस इंड्यूस होगा। इसे हम अध्ययन करने के लिए स्पेशल केसेस ऑफ फिलेट वेल्डेड जॉइंट्स, पहले हमने फिलेट वेल्ड के एक्सियली लोडेड ट्रांसवर्स फिलेट वेल्डिंग और पैरेलल फिलेट वेल्डिंग के बारे में अध्ययन किया था। आज हम ये स्पेशल केस ले रहे हैं फिलेट वेल्ड का, जिसमें मरोड़ के कारण वृत्ताकार फिलेट वेल्ड, सर्कुलर फिलेट वेल्ड सब्जेक्टेड टू टॉर्शन। ये जो रॉड है, सर्कुलर रॉड, इस सर्कुलर रॉड पर हमने टॉर्शनल लोड, टॉर्क लगाया, और टॉर्क लगाने के कारण यहाँ जो वेल्डेड मटेरियल है, उस वेल्डेड मटेरियल में एक शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ। चित्र एक में दर्शाए अनुसार वृत्ताकार छड़ को फिलेट वेल्ड द्वारा एक ठोस प्लेट से वेल्ड किया जाता है। माना कि डी जो है वो छड़ का व्यास है, ये जो रॉड है उसका व्यास है डी, और इसकी त्रिज्या होगी आर, छड़ की त्रिज्या आर। टी जो है छड़ पर क्रियाशील मरोड़ आघूर्ण, टॉर्क एक्टिंग ऑन द रॉड। यहाँ पर टॉर्क टी लग रहा है, रॉड पर टॉर्क टी लगा रहे हैं। एस इज इक्वल टू वेल्ड साइज, साइज ऑफ वेल्ड इज एस, या लेग जो है वो एस है। यहाँ पर ये वेल्ड मेटल है, इसका साइज जो है वो ये एस है। ये वर्टिकल लाइन जो है ये भी एस हो सकता है, या ये हॉरिजॉन्टल लाइन एस। टी जो है वो कंठ या थ्रोट की मोटाई। यहाँ जो ये थ्रोट है, इस वेल्ड मेटल को यदि हम देखें तो ये ट्रायंगल शेप में दिखेगा। ट्रायंगल शेप में ये जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट से लेकर के डायगोनल तक को मिलाने वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये टी थिकनेस है वेल्ड मटेरियल की। तो कंठ या थ्रॉट की मोटाई है टी, और कैपिटल जे इज द वेल्ड काट का ध्रुवीय जड़त्व आघूर्ण, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वेल्ड मेटल, वेल्ड सेक्शन। ये जो वेल्ड सेक्शन है, इसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम निकालते हैं जे, तो वो आता है पाई टी डी क्यूब अपॉन फोर। ये जो वेल्ड मेटल है, इस वेल्ड मेटल का, इसका वेल्ड काट का ध्रुवीय जड़ता गुण, इस वेल्ड सेक्शन का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो होगा पाई टी डी क्यूब अपॉन फोर। नाउ चूंकि फॉर राउंड शाफ्ट, सपोज ये राउंड शाफ्ट है, तो राउंड शाफ्ट के केस में हम जानते हैं कि टॉर्क टी अपॉन पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू टाउ शियर स्ट्रेस, टाउ अपॉन आर रेडियस ऑफ द शाफ्ट और रॉड। नाउ और वृत्ताकार शाफ्ट के लिए कर्दन प्रतिबल
शेयर स्ट्रेस जो है वो होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस टाउ इज इक्वल टू टी इंटू आर, इस आर को टी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस टाउ इज इक्वल टू टी इंटू आर अपॉन जे। नाउ यहां पर आर जो है वो रेडियस है इस रॉड का, तो वो है आर इजक्वल टू डी बाई टू, तो यहां पर हमने आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की डी बाई टू और इसको सॉल्व किया तो टी इंटू डी बाई टू और जे की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, जे की वैल्यू है पाई टी डी क्यू अपॉन फोर, वो यहाँ रख दिया, तो हमारे पास ये आता है, ये दो से चार कटेगा तो दो बच जाएगा, ये टू बच गया, और एक डी से ये एक डी यहाँ से कैंसिल होगा तो ये डी स्क्वायर बच जाएगा, तो ये डी स्क्वायर बच गया, तो अब हमारे पास वहाँ ये टू टी अपॉन पाई टी डी स्क्वायर। नाउ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस टाउ शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू टू टी अपॉन पाई टी डी स्क्वायर। अब ये कर्तन प्रतिबल आया हमारा, ये कर्तन प्रतिबल फिलेट वेल्ड की लेग के एक क्षैतिज समतल में कार्यरत होगा, फिलेट वेल्ड के एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये कार्य करेगा, ये जो कर्तन प्रतिबल है शियर स्ट्रेस जो है वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में काम करेगा, अधिकतम कर्तन वेल्ड के कंठ पर होगा, मैक्सिमम शियर जो है अधिकतम कर्तन जो है वो वेल्ड मेटल के कंठ पर होगा, जहाँ पर टी डिस्टेंस है वहाँ पर होगा, जो कि क्षैतिज समतल से 45 डिग्री के झुकाव पर है, ये जो है क्षैतिज समतल से 45 डिग्री के झुकाव पर है, ये जो टी डिस्टेंस है ये टी डिस्टेंस ये क्षैतिज ये समतल से 45 डिग्री के झुकाव पर है। नाउ इसलिए कंठ यानी कि थ्रोट की मोटाई, थिकनेस ऑफ थ्रोट या थ्रोट थिकनेस जो है टी इक्वल टू एस साइन 45 डिग्री, एस साइन 45 डिग्री, इस टी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो टी है ये टी होगा, एस तो ये है या ये एस है और ये 45 डिग्री का एंगल है, ये वाला और ये वाला ये 45 डिग्री का एंगल है, तो इस एस को जब टी पर हम प्रोजेक्ट करते हैं तो या टी को एस पर प्रोजेक्ट करेंगे तो हमारा टी आएगा टी इक्वल टू एस साइन 45 डिग्री, क्योंकि ये एंगल 45 का है ये एंगल 45 का है, तो यहाँ पर टी विल बी इक्वल टू एस साइन 45 डिग्री, तो यहाँ टी हो गया हमारे पास एस साइन 45 डिग्री, अब साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 0.707, देखिए हाफ 1 अपॉन रूट टू रूट थ्री बाई टू फिर 1, तो हाफ 1 अपॉन रूट टू, तो 1 अपॉन रूट टू से क्या आएगा 0.707, यहाँ पर टी इज इक्वल टू 0.707 इंटू एस तथा अधिकतम कर्तन प्रतिबल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, टी मैक्सिमम जो है ये है टू टी अपॉन पाई इंटू 0.707 इंटू एस इंटू डी स्क्वायर, अब ये टी जो है ये है टॉर्क, एस साइज ऑफ द वेल्ड और डी इज द डायमीटर ऑफ द रॉड और शाफ्ट, इसको और सॉल्व किया तो ये आया हमारे पास टी मैक्सिमम इज़ इक्वल टू 2.83 टी अपॉन पाई एस डी स्क्वायर, तो इस तरह से हमने शेयर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो है वो हम देखते हैं कि 2.83 इंटू टी अपॉन पाई एस डी स्क्वायर होता है। अब इस पर हम एक प्रॉब्लम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, ए 50 mm डायमीटर सॉलिड शाफ्ट इज वेल्डेड टू ए फ्लैट प्लेट बाई 10 mm फिलेट वेल्ड है शोन इन फिगर 1, ये जो फिगर 1 में दिखाया हुआ है कि एक रॉड को या एक सॉलिड शाफ्ट है, उस सॉलिड शाफ्ट को एक प्लेट पे हम वेल्ड कर रहे हैं फिलेट वेल्ड के द्वारा, फाइंड द और ये जो रॉड का डायमीटर है ये 50 mm है और ये जो फिलेट है
इस फिलेट का साइज जो है वो है 10 mm। फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क दैट द वेल्डेड जॉइंट कैन सस्टेन इफ द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंटेंसिटी इन द वेल्ड मटेरियल इज नॉट टू एक्सीड 80 MPa। यदि ये जो वेल्डेड मटेरियल है इसमें शियर स्ट्रेस 80 MPa से ज़्यादा नहीं हो, शियर स्ट्रेस इंटेंसिटी जो है वो 80 MPa से ज़्यादा यदि नहीं होती हो तो मैक्सिमम टॉर्क निकालना है कि मैक्सिमम टॉर्क दैट द वेल्डेड जॉइंट कैन सस्टेन, कि ये वेल्डेड जॉइंट सस्टेन कर सके, सहन कर सके, इतना टॉर्क निकालना है कि वो टॉर्क कितना होगा। तो इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है कि यहाँ पर टॉर्क कितना लगा सकते हैं कि ये वेल्डेड मटेरियल उसको सहन कर ले। सॉल्यूशन है, गिद दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ शाफ्ट इस 50 mm, एस साइज, ये साइज जो है वेल्ड मेटल का ये है 10 mm, टाउ मैक्सिमम, मैक्सिमम सी स्ट्रेस ऑफ दिस वेल्डेड मटेरियल इस 80 MPa और 80 Nm/mm². लेट टी इज द मैक्सिमम टॉर्क दैट द वेल्डेड जॉइंट कैन सस्टेन, ये टी जो है वो मैक्सिमम टॉर्क है जो वेल्डेड जॉइंट सेंड कर सकता है। वी नो दैट द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, हमने ऊपर निकाल पहले निकाला था कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू होती है 2t/π × 0.707 × s × d² और इसको जो आगे सॉल्व किया तो हमारे पास आया टाउ मैक्सिमम इज़ इक्वल टू 2.83 × t/π s d². अब यहाँ पर हमें टी टॉर्क फाइंड आउट करना है, टाउ मैक्सिमम दे रखा है, टाउ मैक्सिमम की वैल्यू है 80 MPa या 80 Nm/mm². इसके अलावा एस की वैल्यू है 10 mm और जो डी है वो 50 mm का है, ये डी 50 mm है, ऐसे ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। सब्स्टिट्यूट करने के बाद में हम टॉर्क निकालते हैं, तो टॉर्क किस ये वैल्यू को ऊपर ले गए 80 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये 2.83 नीचे आ गया, तो दिस टॉर्क विल बी इक्वल टू दिस वन, और इसको और सॉल्व किया तो टी आया हमारे पास 2.22 × 10⁶ Nm। तो इस तरह से टॉर्क की वैल्यू आई 2.22 × 10⁶ Nm, यानी इतना टॉर्क जो है वो ये वेल्डेड मटेरियल सहन कर सकता है जिसका कि जिसमें कि शाफ्ट का डायमीटर 50 mm है और वेल्डेड मटेरियल का साइज है 10 mm और इसमें लगने वाला शियर स्ट्रेस जो है, इसमें जो इंड्यूस हो रहा है शियर स्ट्रेस, उसकी वैल्यू है 80 MPa या 80 Nm². तो इसमें जो टॉर्क है जो सेंड किया जाता है इस वेल्डेड मटेरियल के द्वारा वो होगा 2.22 × 10⁶ Nm, यानी कि इतना टॉर्क ये सेंड कर सकता है। इसमें रेफरेंसेस है एक टेस्ट बुक ऑफ मशीन डिजाइन बाय आर एस कुरुमन जे के गुप्ता एंड मशीनों का अभिकल्पन बाय कपिल गोयल। थैंक यू।